नमस्कार दोस्तों, भास्कर टुडे में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान। निकाय चुनाव का जो रण है वो बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि 11 तारीख में मतदान है, जिसको लेकर तमाम जितनी भी पार्टियां हैं अपना दमखम दिखा रही हैं। जो प्रत्याशी हैं जनता के बीच जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी जनता वोट की चोट किसको देती है। इस वक्त पहुंचे हैं हम बागपत के टटीरी नगर पंचायत में, और टटीरी में लगभग 13,000 यहाँ वोटर है और 11 वार्ड है, और प्रत्याशी की अगर बात करें तो लगभग 16 प्रत्याशी यहाँ हैं। अब प्रत्याशी तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, और कुछ जो निर्दलीय हैं यहाँ भारी संख्या में कुछ लोग खड़े थे, एक कार्यालय पाए हैं, बहुत चर्चा है। और जहां तक लोगों से हमने बात करी कि जो उन्होंने बताई है कि अब की बार जो रुझान है वो ज्यादातर देखने को मिल रहा है, और इन लोगों से जानेंगे कि आखिर समझते क्या है और क्या चीज है। और हमारे बीच अगर सबसे बात करें तो यहाँ जो रिक्शा जिनका जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, संतरा देवी जी, इनका कार्यालय है यहाँ भारी संख्या में, हमें कुछ महिलाएं मिली हैं, इनसे जानेंगे कि यहाँ इस शहर की मुख्य जरूरतें क्या हैं, क्या समस्या है और उनका राजनीतिक करियर क्या है। कि सबसे पहले तो इस शहर के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। हमारे यहाँ से समस्या शहर के कस्बे में यह है, तो पानी की निकासी नहीं है। मंडी में जिस वक्त पानी चलती है तो पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, पानी की निकासी नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या है जो दलित बस्ती है, इनमें कोई भी आज तक काम नहीं कराएगा। अच्छा, क्यों नहीं कराएगा? क्या आपने इससे पहले जो चेयरमैन रहे हैं उनसे क्या इस बात की मांग नहीं करी गई? क्योंकि एक कहावत है, एक बात कहते हैं, जब तक बच्चा नहीं रोता उसकी माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती। क्या इस बात की आपने कभी बात नहीं रखी? ये बात रखी है हमने, और जब हमारी नगर पंचायत ने नई रास्ता बनाया स्टेशन पर, हमारी जो है सारे आदमी हमारे कस्बे के है, रेल की सवारी करते हैं और सभी का रास्ता है। अच्छा, और यहाँ से जब नगर पंचायत के चेयरमैन के पास हम 20 बार गए, हमारी पूरी जनता गई, नहीं सुनाई करी, तो हमारे यहाँ से एक विधायक के कोटे से जाकर वो रास्ता हमने बनाया स्टेशन पे, जो रास्ता बनाया तो वहाँ को पानी भरा रहा था गड्ढे थे, तो वो रास्ता हमने विधायक के कोटे से बनवाया। अच्छा, तो वो रास्ता हमारा बन गया। अब आपको मौका मिला है, जनता ने आपको समर्थन दिया है और आप चुनाव में है इस समय, क्या समझती है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगी? मैं जो चुनाव लड़ रही हूँ, मैं हर समाज में तो चाहती हूँ कि हर समाज की चौपाल बने। अच्छा। और हर समाज में जैसे चौपाल बने, खेल मैदान भी बने, हर वार्ड में खेल मैदान बने बच्चों का। और जैसे जनता का ये हो जाता है कि भाई कहीं दवाई की वो नहीं है, तो ये भी छोटे छोटे केंद्र भी चलने चाहिए दवाई। हाँ, अगर बात करें राजनीतिक करियर की, आपका राजनीतिक करियर के बारे में जानेंगे? राजनीतिक करियर के बारे में 2002 में मैंने चुनाव लड़ा था मेहमरी का, सभासद बनी थी, उसके बाद मैं वाइस चेयरमैन बनी, उसके बाद फिर मैं मनोनीत सभासद बन पाई। मैं 10 साल तक नगर पंचायत में काम किया, और मैं जनता के बीच में बैठ कर मैं काम करती हूँ। कोई भी समस्या छोटी हो या बड़ी हो, अगर कोई भी समस्या लेकर आता है तो मैं उन समस्याओं का मेरे से जहाँ तक मेरे से सुलझ जाती है मैं अपने आप सुलझाने का काम करती हूँ, और जो नहीं सुलझ जाती मेरे से, जो अगर मेरे से नहीं होती तो मैं अधिकारियों तक उसका काम पहुँचाने का करती हूँ, उनकी बात अधिकारी तक बताती हूँ। तो संतरा जी ने बताया राजनीतिक करियर लंबा है, तकरीबन 20 से 21 साल का है, और लोगों के बीच हमेशा बनी रहती है, और जहाँ तक लोगों का कहना है वो यही होगा। अब जानेंगे कुछ लोग है क्या समझते हैं, किस तरीके से ये काम करती है संतरा जी? जो भी काम पड़ता है तो यही करती है हमारे। अच्छा, हाँ। आपका कोई काम कराया? हाँ, कराया। क्या काम कराया आपका? तो कुछ वैसे पड़ जा, कहीं जाना आना पड़ जा, कुछ बच्चे के गेल हो जा, गड़बड़ा आप हमारी गेल हो जा, तो सब काम यही नहीं था। अच्छा, क्या समझते हो किस तरीके से? ठीक तो है जी, कम से कम करे। अच्छा जी, वाले सब कम करे। हमारी तो सब मदद करती है जी, यही। अच्छा। सारी मदद में यही खड़ी होती है, और किसी को पूछते नहीं जाने। सारी मदद गलियों में भी, पानी में भी, कूलर लग रहे इनमें भी, सारी चीजों में यही आगर है हमारे। तो बस हमारे लिए संतरा देवी हर चंगा खड़ी रहती है सपोर्टर में। विधवाओं के लिए पेंशन, जिनके पास हमारी गलियों की नालों में पानी भरा रहता है, इन्होंने ही अब की बार रोड बनवाई थी। हमारे जो बराबर में जोड़ है ना, उसमें हमारे घर झील में थे तो उनमें पानी भर गया। हमारी संतरा देवी ने ही सपोर्टर की थी, हम संतरा देवी के ही हुए हैं। चंदमान को बोल के पानी निकलवा, नहीं तो सारे मकान डूब गए थे।
और नलमल भी है ना सारे जो है ना रस्ते वस्ते और बच्चों के लिए। अच्छा, मुझे ये बताओ यहाँ 16 प्रत्याशी और भी लोग हैं क्या, कहते हैं कि वोट मांगने आते हैं लेकिन 5 साल तक कोई दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं करता, हमारी कोई सुनाई नहीं करता, सब अपने घर पे कोई नहीं आता, कितनी मजबूरी हो कितना हो कोई नहीं पूछता, हमारी सब चीज संतरे के लिए आपके यहाँ। ये कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर टू में। यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं आप लोग? बजी देखो, लाइट की भी पानी की भी हो जाए, लाइट तो बहुत सड़कों की भी हो जाए गलियों में। अभी फिलहाल क्या मानते हैं सबसे बड़ी समस्या? बस सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हमारा पानी जोड़ो जोड़ का पानी सारा हमारे घरों में भरता है, तीन हमारे मकान है, कुछ महिलाओं के लिए तो आवे हैं, महिलाओं के लिए भी आना चाहिए, कुछ काम धंधा तो बेरोजगार है, बिना रोजगार है इनके लिए भी तो कुछ काम धंधा होना चाहिए, चैनमैन तो बनकर सब बैठ जा, कुछ महिलाओं के लिए भी तो करवावे। तो आपको संतरा जी पे इतना विश्वास है कि ये चेयरमैन बन गए तो आपके काम होगा? बिल्कुल बिल्कुल, संतरा देवी हमें काम, संतरा देवी हमारे लिए रात को दिन को खड़ी रहती है, रात दिन खड़ी रहती है, सारे हमारे हमारे लिए सब चीज के लिए खड़े रहते हैं, रात हो या दिनों कभी भी फोन करो। तुम्हारे तुम्हारे लिए तकरीबन यहाँ 13,000 वोट हैं, ये सब सबके लिए जी, सबके लिए जी, कोई भी आक्रमण चल रहा है कोई भी आक्रमण चल रहा है खड़ी हो आज सभी का चल रहा है। इनके सामने जो 16 कैंडिडेट हैं, ये 15 जो सामने, इनके सामने इतने लोग क्यों खड़े हो गए जब ये अध्यक्ष पद के लिए आए हैं, इसके बारे में कुछ कहोगे? सब ये तो सब जानता है, पूरा गांव जानता है, ये नहीं कि भाई एक ही बंदा जानता है, पूरी पहले भी ये चेयरमैन रह चुकी है, ये नहीं कि चेयरमैन नहीं रही, पहले भी चेयरमैन रह चुकी है, इसको सब जानते हैं, ये आलतू फालतू जो उठ रहे हैं ना गांव पड़ोस में, ये सब बेकार की भी है, ये सब वोट काटने के लिए उठ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वोट काट के क्या करेंगे? ये सोच रहे हैं कि हमारे बस क्या करते हैं, ये सोच रहे हैं कि भाई संतरा देवी ना जीते उसको यहीं रख के ये चमाई ऐसे ना। संतरा देवी के अलावा अगर मैं आप सब एक सवाल करूं कि इनकी टक्कर में कौन है जो इस टाइम मजबूत स्थिति में, क्या किसको कहोगे? सर हमारे तो कोई नहीं, गाँव में नहीं आ रहा, हमारे टक्कर में संतरा देवी आ रही है, हमारे तो संतरा देवी। क्या कहोगे जी? संतरा देवी, हम सब उनकी साथ हैं, संतरा देवी के साथ हैं, हमारी चावल। बताया गया कि आज यहाँ जो है बड़ी संख्या में यहाँ आज रैली निकाली गई थी, तो रैली की क्या स्थिति थी? बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, जय जय थी, और दो दिन उस टाइम पहुँचे ना। आज आप सुन रहे हैं साफ तौर पर इनकी जो आवाज है ये अपने आप में इनके प्रत्याशी को लेकर है, कितना ये महिलाओं में जोश दिख रहा है, ये वो जोश है, ये वो चीजें जो संतरा देवी ने कार्य करे हैं, और कार्य जिस तरीके करे हैं उसको समझने वाली बात है, यानी साफ तौर पर देख सकते हैं ये अपने आप में ये एक बड़ी बात है कि आइए कुछ लोग भी बैठे हैं, क्या समझते हैं दादा आपकी बार, क्या स्थिति है यहाँ? भाई संतरा देवी पूर्व चेयरमैन है, हम तो नहीं सोचते हैं भाई इसकी सरकार बन जाए। अच्छा, इनके सामने इतने प्रत्याशी क्यों खड़े हो गए जब जहाँ तक हम देख रहे हैं लोगों में अच्छा रुझान है संतरा देवी के पक्ष में है सब लोग, इतने विपक्ष में इतने लोग कैसे खड़े हुए इनके? भाई मंडी में इतनी दुकान है, कोई किस्त सामान खरीद रहा, कोई किस्त सामान खरीद रहा, भाई दुकान तो सबकी चलेगी। अच्छा, अब भाई ऐसी यह संतरा देवी है, पूर्व चेयरमैन है, भाई बढ़िया काम करा, न्यू पब्लिक इसके साथ है। क्या समझते हैं शहर की मुख्य समस्या क्या है आपके? समस्या तो यह एक तो बात नू है कि यहाँ बेचारी एक तो निडर है, कर्मठ है, जुझारू है, या किसी से शक्ति नहीं है, कैसी सुनती नहीं, या शाबाशी है इसकी समाज में, पूरे गांव में किसी से शक्ति नहीं है या बोलती नहीं, इचकता कौन नहीं है, इचकता कौन नहीं है जो जिसमें कोई ऐब ना हो कमी ना हो, यही होता है ना वो आदमी? बिल्कुल पक्की है बेचारी, जो काम को उठा लेगी उसे पूरा करेगी। क्या समझते हैं क्या स्थिति है अगर पूरे शहर की स्थिति के बारे में बात करें? सर ऐसे कैंडिडेट है यहाँ 18 खड़े हुए हैं जी जी, अब जीतेगा तो एक ही आदमी, 17 को तो हारना ही है जी जी, हमारी शुभकामनाएं सबके लिए है, सब जोर शोर लगा कर लड़ रहे हैं, लेकिन ये है कि अब यहाँ ऐसा हो गया कि जैसा एक ही कैंडिडेट उठना था यहाँ हमारे वार्ड में ही 4-5 खड़े हो गए। अच्छा, तो ये आपस में फाइट अप पता नहीं किधर जाएगा, मतलब भरोसा नहीं है किधर हो जाए, लेकिन सभी लोग संतरा के तरफ ही ज्यादातर वो कर रहे हैं, ज्यादातर
उन्हीं की तरफ है, संतरा की तरफ ही है, संतरा की तरफ है। खुद दादा ने बताया कि एक ऐसी समाज सेवी है, निर्भक है और बिल्कुल निडर है और अपने कार्य अधिकारियों तक भी मजबूताई से अपनी बात रखती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, एक अच्छे प्रत्याशी की ये एक खासियत होती है। क्या समझते हैं जी, अब की बार कैसा माहौल बन रहा है? माहौल तो संतरा देवी की तरफ ही ज्यादा है। अच्छा, हाँ जी, संतरा देवी की, आखिर क्यों? क्योंकि ये समाज के लिए कभी भी खड़ी हो जाती है। अच्छा, हाँ, मुझे तो लोगों ने वैसे भी कहा बिना समाज के और लोगों के साथ, और ये इस चटीरी के लिए नहीं, अगर कोई दोगट की कोई महिला है, दोगट का कोई आदमी, वहाँ के लिए भी करती है काम। सही कह रहे हो जी, सबके लिए, सबके लिए तत्पर है। अच्छा, हाँ जी, तो समर्थन है पूरा? समर्थन पूरा है। यहाँ जो बीजेपी जो एक कैंडिडेट है, जैसे बीजेपी पार्टी है, उसका कोई जनाधार या उसका कोई, उसके बारे में कोई जनाधार हम दिखाई दे रहे हैं ना सर कुछ भी? अच्छा, हाँ जी, ये पुराने एक्सपीरियंस जोड़ रहे, पहले सभासद रह चुके, वाइस चेयरमैन रह चुके हमने, जहाँ तक मैं भी फिलहाल मतलब कि 18-20 साल में लग लो, मैं दिल्ली से ही आया, मेरे परिवार से संबंध है, लेकिन इसके बारे में सुनने में आया है कि अगर आप अभी बता रहे हो दोगट की बात, दोगट का नहीं, जहाँ से भी कोई लेडीज समस्या लेकर आई उनके साथ में जाती है, ये मेरा सुनने में खूब आया है। मैं इनकी बड़ाई नहीं कर रहा बैठ के, बाकी जो लोग बताते हैं उसके आधार पर, बाकी एक्सपीरियंस होल्ड रहे हैं, काम ये कर रही है सही। हाँ, हो जाए और अच्छी बात है जी, तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लोगों की शुभकामनाएं देखी जा रही हैं, महिलाओं का जो यहाँ देखने वाली बात है किस तरीके से यहाँ महिला फुल सपोर्ट में है, लोग सपोर्ट में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कटीरी में अब की बार जो ताज है, ये कुर्सी का जो सत्ता का जो ताज है, वो कब और किसके सिर लगेगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ कटीरी में अगर बात करें, रुझान सिर्फ संतरा देवी का नजर आ रहा है, जिनका निशान है रिक्शा का निशान है। अब देखते हैं जो लोग हैं कितने बहुमत से उनको सपोर्ट करते हैं, ये वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र चौहान, कटीरी।